अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बन कबाब। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। आप बच्चों को घर में बना के दें, ये बहुत अच्छा बनता है। आप बच्चों को लंच में दें, घर में दें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए चिकन को मैं प्रिक कर लूँगी। ये मेरे पास हैमर है, इससे मैं कर लूँगी। आप कांटे से भी कर सकते हैं। इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से करने से चिकन में मसाला अच्छी तरह रख जाता है। इसको मैंने फ्रिक कर लिया। आप चिकन के ऊपर मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये लेमन जूस लिया मैंने 2 टेबलस्पून, ये फ्रेश लेमन जूस मैंने लिया। चिल्ली सॉस लिया मैंने 1 टेबलस्पून, सोया सॉस भी मैंने लिया 1 टेबलस्पून, अब चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे सारी चीजों से, इस तरह हाथ की मदद से, और इसे उल्टा करके अच्छी तरह लगा लेंगे मसाला। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, आप इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं चिकन को पकाऊंगी। पैन मैंने लिया है, इसके नीचे मैंने आग जला ली है, हल्की आग जलानी है, ज्यादा तेज आग नहीं करनी। इसके अंदर ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। बाकी का जो मसाला बचा हुआ है ये भी साथ ही मैं ऐड कर दूंगी। मसाला मैंने डाल दिया है, आप चिकन को दोनों साइडों से पलट पलट कर पका लेंगे। चिकन का वजन मैं बता रहा हूँ, भूल गई, चिकन मैंने आधा किलो लिया है। चिकन का एक साइड से कलर चेंज हो गया, अब मैं इसकी साइड पलट देती हूँ। इसी तरह चिकन को पलट के पकाएंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह पक चुका है, चिकन को पकने में 10 से 15 मिनट लगे। अब मैं इसकी आग बंद करती हूँ। अब मैं चिकन की कटिंग करती हूँ। इस तरह से चिकन की कटिंग कर लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे इसको। चिकन की कटिंग मैंने कर ली है, अब बन कबाब के लिए मैं सॉस तैयार करूंगी। सॉस बनाने के लिए मैं 4 टेबलस्पून मायोनीज लूंगी। टू टेबल स्पून मैं केचप लूंगी। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सॉस रेडी हो चुकी है, अब इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। मैं 2 बन कबाब बनाऊंगी। 1 बन कबाब बनाने के लिए मैंने 1 अंडा लिया, इसके अंदर थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे के अंदर मैंने चिकन मिक्स कर लिया, अब इसको पका लेंगे। अब बन के लिए मैं कबाब तैयार करूंगी। पैन के नीचे मैंने आग जला ली है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चिकन और अंडे का मिक्सचर डाल दूंगी और कबाब तैयार करूंगी। जितना बड़ा आपका बन है उसी हिसाब से हम के आप कबाब तैयार कर लेंगे।
कबाब हमारा एक साइड से पक गए, अब इसकी मैं दूसरी साइड चेंज करके पका लूंगी। कबाब हमारा दोनों साइडों से पक गया, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा कबाब भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। ये दो मैंने बर्गर बन लिए, अब इसके ऊपर मैं सॉस लगाऊंगी। ये इस तरह से सॉस लगा देंगे, आप जितनी भी आपको सॉस पसंद है आप लगा सकते हैं। सॉस मैंने लगा ली, आप इसके ऊपर कबाब रखेंगे, दूसरे के ऊपर मैं इसी तरह कबाब रख लूंगी। अगर आपके बच्चे टमाटर या प्याज पसंद करते हैं तो आप उनको जरूर ये लगा के दें, दोनों चीजें इस तरह से ऊपर लगा देंगे। वन कबाब दोनों मैंने रेडी कर लिए, इसके साथ मैंने थोड़े से फ्राइज रखे हैं, आप बच्चों को जरूर बना के देंगे, बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनते हैं। आप इसको जरूर ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।